सब्सक्राइब कीजिए ASUSA चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह की और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ASUSA। फ्रेंड्स, मैं काफी टाइम से एक माइक परचेज करने का सोच रहा था। मैंने ऑफलाइन मार्केट में भी देखा, ऑनलाइन मार्केट में काफी रिसर्च करने के बाद मुझे एक माइक मिला बोया का, जो कि बोया M1 था। तो मैंने काफी रिसर्च किया बोया के M1 माइक पे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली कि जो बोया का M1 माइक है वो इंडोर के लिए तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब हम बोया के M1 माइक को आउटडोर के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे वो काफी यार नॉइस लेता है। तो ऐसे मुझे एक ऐसा माइक चाहिए था जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों में ही यूज कर सकूं। तो ऐसे मुझे बोया का M1 का एक लेटेस्ट वर्जन मिला, जो कि है बोया का M1 प्रो, जो कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो ये माइक नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। तो इस माइक से मैं इंडोर और आउटडोर दोनों में ही ऑडियो रिकॉर्ड करने में इसका यूज कर सकता हूं मैं। और इसे हमने अमेजोन से परचेज किया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी बोया के M1 प्रो माइक के बारे में बात करने वाला हूं और इसके फीचर्स बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी बोया के M1 माइक की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हमारा बोया का M1 प्रो माइक है। तो बॉक्स पे हमें बोया की ऊपर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बोया का ओरिजिनल माइक है या फिर नहीं। इस स्टिकर पे अगर आप वाटर को डालेंगे ये स्टिकर गायब हो जाएगा। तो ये बोया की तरफ से आने वाला यूनिवर्सल लेवलियर माइक्रोफोन है, इसे आप कॉलर माइक भी बोल सकते हैं। ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है और ये हमारा माइक्रोफोन टैबलेट कंप्यूटर कैमरा सब के साथ कंपैटिबल है। और साइड में हमें बोया की ब्रांडिंग मिल जाती है, पीछे कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं इसी बोया M1 प्रो माइक की। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें इसी बोया के माइक की मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसमें काफी ज्यादा जानकारी दी हुई है, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और दूसरा हमें ये इसके साथ वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। और ये हमारा मेन माइक है जो कि लेदर पाउच में मिला है हमें। तो चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। ये हमारा मेन माइक है और ये हमें क्लिप फोम और कनेक्टर मिल जाता है जो कि इस पैकेट में हमें दिया गया है। इन सबको मैं साइड में रख के सीधे फोकस करता हूँ अपने माइक पे। तो ये हमारा नॉइस कैंसिलेशन माइक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें हमें दो स्विच देखने को मिलती है, एक ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए स्विच दी गई है इसमें और दूसरी स्विच हमें दी गई है स्विच करने के लिए स्मार्टफोन और कैमरा पे। कैमरा की स्विच हमें तब के लिए दी गई है जब हमें एक पावर्ड माइक्रोफोन का यूज करना होता है। इसमें हमें एक बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि अंदर लगी होती है इसमें। आप देख सकते हैं ये हमारा एक सेल मिल जाता है जो कि इसमें इंसर्ट किया गया है पहले से। सेल को सर्किट से डिटैच करने के लिए ये प्लास्टिक कवर दी गई है। अगर आप कैमरा का यूज करते हैं आप इसको निकाल दीजिएगा, लेकिन मैं स्मार्टफोन का यूज करूंगा इसलिए मैं इसे अभी लगे रहने देता हूं ऐसे ही। इस माइक के साथ हमें 20 फीट की वायर मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा लंबी वायर है। और इस माइक में हमें ईयरफोन पोर्ट भी दिया गया है जिसकी मदद से आप यहां पे ईयरफोन कनेक्ट करके साउंड क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारा मेन माइक है जो कि इसमें इंसर्ट किया गया है। तो चलिए मैं वॉइस के साथ इसका रिव्यू देता हूं आपको, जिससे आपको इसके साउंड का आइडिया लग जाए कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ऑडियो टेस्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं की है। जितनी भी अभी तक आपने ऑडियो सुनी है वो सारी रॉ ऑडियो है। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो हमारे स्मार्टफोन की माइक से सुन रहे हैं। अब मैं आपको टेस्ट कराता हूँ कि माइक से आपको कैसे वॉइस मिलती है। तो अभी आप इस माइक की सेटिंग को चेक कर लीजिए। अभी मैं इस माइक की नॉइस कैंसिलेशन ऑफ किया हूँ। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसी माइक के थ्रू सुन रहे हैं जबकि नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। अब मैं आपके सामने नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करता हूँ। अब आप सेटिंग को चेक कर लीजिए, मैंने नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है। अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक के नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद की सुन रहे हैं। अभी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि स्मार्टफोन के माइक से कैसे आपको वॉइस मिलती है, नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करने पे कैसे वॉइस मिलती है और नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने पे कैसे
वॉइस मिलती है। तो अब मैं बता दूं कि इस माइक के साथ आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसके बाद मैं जितनी वीडियो शूट करने वाला हूं, उसमें इसी माइक का यूज करने वाला हूं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर कोई इशू आता है मुझे इस माइक के साथ, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आशा करता हूं कि इस बोया के M1 Pro माइक के जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे, जितने भी डाउट रहे होंगे, मैं उनको आपके सॉल्व कर पाया हूंगा। अगर कोई डाउट आपका बाकी रह जाता है तो हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी नीचे, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप मुझे DM करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन करके हमें पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।